राजधानी रायपुर का युवक कृष्ण कुमार सैनी दिल्ली पदयात्रा पर निकला। बता दें कि इसके पूर्व सैनी ने 13 जून को लगातार 26 घंटे में 140 किलोमीटर की अपनी पदयात्रा को पूरा किया है। ट्रेन का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। वहीं अपने दिल्ली पदयात्रा के दौरान वह बेमित्रा पहुंचे, जहां पर पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने उनका भव्य स्वागत किया। देखिए, हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं आज़ादी की, और हम खुश नसीब हैं कि स्वतंत्र भारत में आज हम सांस ले रहे हैं। मैं मानता हूं कि ये हमारे शहीदों के कारण और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के कारण संभव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस बार इसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है, और 13 अगस्त से 15 अगस्त तक सभी घरों पर तिरंगा लहराने का आह्वान भी उन्होंने किया है। उनके आह्वान को जन जन तक पहुँचाने के लिए मैं रायपुर के भारत माता चौक से दिल्ली तक के पदयात्रा पर निकला।